जुमा का वक्त है और हम लोग को ये बताना कि जुमा की नमाज में ज्यादा तादाद में लोग भी लोग आते हैं। हम लोग को ये नहीं मालूम होता है कि इससे अफेक्टेड कौन लोग, तो बेहतर यही होगा कि अजान हो, अजान होने के बाद आप लोग अपने अपने घर पे नमाज पढ़ें, ये बेहतर होगा। और कोशिश करें कि कम से कम तादाद हो, जैसे कि जो मस्जिद के अंदर जो लोग हैं, चार से पांच लोग उससे ज्यादा ना हो, वो लोग नमाज पढ़े और फिर अपने घर को वापस चले जाए। दूसरी बात ये पांचों वक्त की नमाज होती है, ये मैं उलमा नहीं हूँ लेकिन फिर भी हदीस में जो पढ़ा उसमें साफ लफ्जों में लिखा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो घर पे नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, अगर अजान होता है अपने घर पे नमाज पढ़ लें, अब पढ़ लें, सुन्नत भी वहीं पढ़ लें। बेहतर ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जैसे अभी हम लोग भीड़ लगाए वैसे न रहें, बहुत मेहरबानी होगी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि आगे भी कोरोना वायरस जो फैल रहा है उससे हम लोग लड़ने में कामयाब हो और उससे जो है हम जीत सकें। और हम खास के दरभंगा के लोगों से, दरभंगा जिला के लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो हमारे जो महोदय आए हैं, हमारे संगठन नवीन भी आए हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें ताकि इस वायरस से हम लोग लड़ सकें। हमारे जीओ साहब आए हैं, हमारे पार्षद साहब आए हैं, लखन सिन्हा जी साहब बहुत मशहूर और समाजसेवी आदमी है, और आज ये पूरा मुल्क कोरोना वायरस के नाम से मर्ज से डरा हुआ है, लोग मर रहे हैं, जानी नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हमारी हुकूमत चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, पूरी दुनिया इस मर्ज के लिए लड़ रही है। हम लोग सरकार के साथ हैं, हम लोग देश के साथ हैं, हम लोग अपने प्रदेश के साथ हैं। जिला प्रशासन ने इस बीमारी को रोकने के लिए जितना तक हिम्मत लगाया है, ताकत लगाया है, जितना हम लोगों के साथ भाईचारा और इंसानियत के साथ इस मर्ज को रोकने की अपील किया, हम लोग कांधे से कांधा मिला के जिला प्रशासन का पूरा साथ देंगे और मदद करेंगे, और हम सब लोग इस कोरोना वायरस को हिंदुस्तान से दूर कर देंगे, अपने जिला से दूर कर देंगे, दरभंगा से दूर कर देंगे। और इंसान को जिंदा रहने के लिए एक इंसान की मदद करनी है, अपनी भी हिफाजत करनी है, समाज की हिफाजत करनी है, मोहल्ले की हिफाजत करनी है, देश की हिफाजत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ये दरभंगा में चाहेंगे कि कल शुक्रवार की नमाज आप लोग घर में ही पढ़िए और आप लोग का पूरा सहयोग हम लोग को मिलेगा। आप लोगों को भी बताइए, अपनी जमात में लोगों को बताइए, दरभंगा जिला में हम लोग ऐसा कुछ मिसाल कायम करें जिससे कि सभी लोग सुरक्षित जान रहेगा तभी आगे। इसमें एक चीज ये है, जैसे हम लोगों के पांच वक्त की नमाज है तो उसमें एक इमाम, एक मुअज्जिन और दो चार जो वहाँ मस्जिद की देख रेख में लोग रहते हैं, वो पांच आदमी अपना दूरी बना के नमाज पढ़ेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी सब हाथ उठा दीजिए। सहमत है, हम लोग अपने मुल्क के साथ हैं, अपने बिहार के साथ हैं, अपने जिले के साथ।